नाजरीन आपको बताते चले, सीमा हैदर का अपने पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर से राबता। आपको बताते चले, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि सीमा हैदर सुहाने ख्वाब देखकर इंडिया तो चली गई, वो अपने बच्चों को भी साथ ले गई और अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि उन्होंने अपने शोहर से गुलाम हैदर से तलाक भी नहीं ली और फिर भी वो इंडिया जाकर एक नाअहल लड़के से उन्होंने शादी का ड्रामा रचाया, जो कि सुहाने आप थे। जब सीमा हैदर वहाँ पहुँची तो उन्हें पता चला सचिन जो लड़का था वो तो बिल्कुल कंगाल है और गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। अब जो है ना, सीमा हैदर रोटी खाने के लिए भी परेशान है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो उनके शोहर हैं गुलाम हैदर, वो भी सीमा हैदर का पीछा नहीं छोड़ रहे। उन्होंने उनका भी यही कहना है कि मैं किसी सूरत भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा और पाकिस्तान वापस ला कर ही रहूँगा, ये उनका हक भी बनता है। और एक खातून यूट्यूबर है किन्जा, जिन्होंने सीमा हैदर की जो नींदें हैं वो भी उड़ा कर रख दी हैं, वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही और कुछ सबूत भी वो शेयर कर रही है कि सीमा हैदर यहाँ से कैसे गई। उन्होंने तलाक का ड्रामा रचाया, बल्कि उन्हें तलाक नहीं दी गई थी, वो अच्छा खासा घर बार छोड़कर पाकिस्तान छोड़कर इंडिया पहुँच गई और वहाँ उनके साथ क्या वो सचिन के साथ वफा करेगी, वो भी इनके पीछे पड़ी हुई है खातून यूट्यूबर। अब जो खबर सामने आ रही है, सीमा हैदर पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, क्योंकि उनका जो सचिन जो लड़का था वो तो बिल्कुल कंगाल है, ना तो वो कोई काम कर पाता है और ना ही कमा पाता है। सीमा हैदर अपना और अपने बच्चों का और उस कंगाल लड़के का पेट पालने के लिए डांस करके मजबूरन वो डांस करती है और जो पैसे उन्हें मिलते हैं तो अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं, घर बार चला रहे हैं। लेकिन उनके जो सुहाने ख्वाब थे वो वहाँ पर पूरे नहीं हुए। चंद दिन तो सीमा हैदर को वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया गया, कुछ मदद भी की गई, पैसे भी दिए गए। अब सब लोग उनको छोड़ चुके हैं, अब ये लोग रोज़ी रोटी के लिए तंग हैं, रोटी इन दो वक्त की रोटी के लिए ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जो सचिन लड़का है वो तो बिल्कुल कंगाल है, वो गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, दूसरा वो इतनी नाअहल है, कोई काम भी नहीं करता ताकि उनके घर की रोटी और गुजर बसर हो सके। तो आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो हमें ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं, सीमा हैदर अब वापस आना चाहती है लेकिन वो वहाँ पर फंस चुकी है। हर वक्त उनकी सख्त निगरानी भी की जाती है, उन्हें अब भी वहाँ पर मशकूक नज़रों से देखा जाता है सीमा हैदर को। और अफसोस की बात तो यह है, जो सीमा हैदर के बच्चे थे उनको भी ज़बरदस्ती दबाव डालकर इस्लाम छुड़वाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन अब सीमा हैदर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है। वो भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गुलाम हैदर से मामलात तय हो जाए ताकि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, क्योंकि जो सीमा हैदर के ख्वाब थे वो पूरे नहीं हुए। जो उन्हें लड़का मिला, कंगाल लड़का मिला, अब वो वहाँ पर शदीद परेशान है। एक तो वहाँ पर उनको रोटी खाने के पैसे नहीं है उनके पास, दूसरा कोई अच्छा खासा उन्हें वहाँ पर घर नहीं मिला, जो प्रोटोकॉल सब पहले दिए गए अब तमाम प्रोटोकॉल ख़त्म हो चुके हैं। रोज़ी रोटी के लिए वो डांस करती है तो जो पैसे डांस से उन्हें मिलते हैं तो उन्हीं पैसों से वो घर का चूल्हा जला रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, यहाँ उनका अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था, बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। अब जो है ना, सीमा इधर इंडिया में शदीद परेशान है, उनकी हालत जो है ना इंतहाई ख़राब है। किसी तरीके से सीमा हैदर चाहती है वो पाकिस्तान पहुंच जाए, लेकिन उन्हें अब वहाँ भी मुश्किलात का सामना है। आसानी से वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ की जो इंडियन पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी भी सीमा हैदर पर कड़ी नज़र है, क्योंकि वो अब भी उन्हें मशकूक समझते हैं कि ये क्या करने आई है। लेकिन जो हमें लगता है कि सीमा हैदर ज़रूर पाकिस्तान आएगी और उनके बच्चे भी पाकिस्तान आएंगे, और हम चाहते भी यही हैं कि सीमा हैदर अपने पाकिस्तान पहुँच जाए। उनका वहाँ पर कोई मुस्तकबिल नहीं और ना ही उनके बच्चों का वहाँ पर कोई मुस्तकबिल है। एक जो सचिन लड़का है वो आपके सामने कंगाल सा लड़का है, तो वो क्या इन बच्चों का पेट पालेगा, और सीमा हैदर कर वो अपना पेट भी नहीं पाल सकता। तो नाजरीन, आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया।